आज का सुसंस्कार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 यानी 6 जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाए जा चुके हैं। इसकी पृष्ठभूमि में बात करूं कि 2014 को जब यूएनओ के अंदर हमारे भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री को जब चांस दिया गया कि आप अपने देश के बारे में बोलिए, तो उन्होंने कहा कि योग भारत की कृति है, योग भारत की फिलॉसफी है, भारत में जन्मा है और हमारे ऋषि मुनि जो है योग को प्राप्त करके मुक्ति तक को गए हैं। योग एक होलिस्टिक साइंस है, इसके अंदर नर्सरी से लगा करके और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट तक का जो है इसके अंदर सारा ज्ञान का जो है पूरा नॉलेज का कोर्स है। यानी योग को जो है हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, धारण कर सकते हैं, योग का जीवन जी सकते हैं। योग की हर एक्टिविटी होती है हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करवाती है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में अवस्थित होना, स्व का मतलब हमारी आत्मा में अवस्थित होना। यानी योग हमको सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, स्व निरीक्षण, स्व प्रशिक्षण सिखाता है। ये सब सिखाने वाला योग होता है। तो योग से जो है हम मुक्ति को जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये योग का जो रास्ता है वो बहुत ही अति उत्तम रास्ता है। इस रास्ते को हमें लेना चाहिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है, जब 210 कंट्रीज के लोगों ने भारत की योग की फिलॉसफी को सुना पढ़ा और तो उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी और पूरे विश्व के अंदर 6 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम मना चुके हैं। अब 7वां जो 21 जून 2022 को मनाया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में योग की प्रवृत्तियां होगी। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से हम धर्म गुरु देश बने हैं।